राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने अपने राजनीतिक करियर में पहली बार दुर्ग नगर निगम का बुधवार को घेराव किया। उनका आरोप था कि दुर्ग में जब से कांग्रेस की नगर सरकार आई है, यहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आरोप लगाया कि पिछले 30 माह के कांग्रेसी शासनकाल में दुर्ग शहर की हालत बेहद खराब हो गई है। शहर के सभी वार्डो की साफ सफाई व पेयजल की व्यवस्था खराब हो चुकी है। सड़कें धूल व गंदगी से अटी पड़ी हैं। निगम प्रबंधन जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नगर निगम कार्यालय में बुधवार को जंगी प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न होने पाए, इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। दुर्ग शहर की दुर्दशा सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया और निगम का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने निगम गेट पर लगे बैरिकेड को हटाकर परिसर के अंदर प्रवेश किया, जहां निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंप अपनी पीड़ा बताई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने का आगाज किया और तलब है कि दुर्ग शहर की दुर्दशा सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन के लिए बुधवार को दुर्ग गवर्नमेंट स्कूल परिसर में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सभा को संबोधित किया। साथ ही साथ शहर की दुर्दशा को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा। स्थिति में खड़ा है, खुद के नाम को दुर्ग शहर के नाम पर चिपका देंगे ऊपर। मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ में दुर्ग की जनता ने दुर्ग नगर के विधायक को चुनाव जिताकर भेजा, वो पूरा नहीं होता है। कोई इनको योग्य आदमी नहीं मिला, एक भी योग्य व्यक्ति दिखा नहीं, जिसके पास 20 साल का 25 साल का अनुभव रहा। ऐसे पार्षदों को इन्होंने दरकिनार कर दिया और आज वो पार्षदों को लोग। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर निगम का घेराव किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए बैरिकेड को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी मशक्कत के बाद घेरा तोड़कर निगम परिसर के अंदर प्रवेश किया और निगम कमिश्नर हरीश मंडावी को अपनी पीड़ा बताते हुए ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने का आगाज किया है। साथ ही साथ इतिहास में पहली बार नगर निगम के खिलाफ हो रहे भाजपा के सबसे बड़े जन आंदोलन के लिए भाजपा के स्थानीय संगठन के चारों मंडल भाजयुमो महिला मोर्चा सहित अन्य मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल रहे और साथ ही निगम का घेराव कर जमकर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने सभा में अपना संबोधन दिया। क्या शुरुआत करी, उसके पूरे टाइल्स को निकाल दिया, फुटपाथ को उखाड़ दिया, पेड़ को काटने के लिए 35 लाख रुपए का इन्होंने शुरुआत किया है कि उन पेड़ों को हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। ये नया पेड़ लगा नहीं पाते हैं शहरों में, लेकिन जो लगा है उस पर केवल और केवल अपने नाम की भूख के लिए उस फुटपाथ को उखाड़ दे। दुर्ग नगर निगम में महापौर के रूप में लगातार 10 साल तक विकास की गाथा लिखकर शहर की पहचान बनाने वाली राज्यसभा सांसद सरोज पांडे शहर की दुर्दशा को आज देखकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। साथ ही खुली चेतावनी भी दे रही है, शहर की जनता की तकलीफें दूर की जाए, साथ ही बुनियादी समस्याएं दूर की जाए। इस संबंध में मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने इस प्रकार से दी। घेराव करने की आवश्यकता 2.5 साल के बाद इसलिए नहीं लगी, हमारे लोगों ने समय समय पर अपनी बात रखी, अपनी बातों को उठाया,
लेकिन जो नगर सरकार है उसके कानों पर जू नहीं रहती है। जब ये जाते हैं अपने मुख्यमंत्री को माला पहनाते हैं, मैं आपके समाचार पत्रों में देखती हूँ, ये नगरी प्रशासन मंत्री को माला पहनाते हैं, बड़ा सा झोला लेकर जाते हैं और खाली झोला लेके वापस आते हैं। इनको न राशि लाना आता है, न विकास करना आता है, और ना ही इनके शहर में सफाई व्यवस्था है, न पीने के पानी है, ना ही पीने के पानी के साथ साथ बारिश आने वाली है, बड़ी नालियों का और शंकर नाले की सफाई तक नहीं। सरकार हर मुद्दे पर है और ये मेरी कर्म भूमि रही है दुर्ग नगर, जहाँ से मैंने शुरुआत की। मेरी कर्म भूमि पर अगर मुझे लगेगा मेरी जनता परेशान है तो मैं चाहे किसी जगह पे रहूँ, मैं अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए सड़क पर जरूर आऊँगा। तो क्या ये माना जाए केवल अपने नाम के वो सामने निकलिए, गौरव पथ है, गौरव पथ पर जो टाइल्स निकाल दी गई, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? आप उसे 3 फीट भी नहीं बढ़ा पा रहे, आप उसे 3 फीट और चौड़ा नहीं कर पा रहे। अगर आप कर सकते होते तो इसका स्वागत था। उस सड़क को जो इतनी अच्छी सड़क थी उसे आखिर क्यों बनाना पड़ा? 35 लाख रुपये का आपने टेंडर किया कि आप बड़े पेड़ों को शिफ्ट कर देंगे, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे ही कामों पर, दादा दादी नाना नानी पार्क पर अपना ही आप वहाँ रंग रोगन करते हैं तो अपना पत्थर लगाते हैं। मेरा कहना है अगर यहाँ के नगर सरकार पत्थर लगाने पर विश्वास करती है तो मैं बड़ी राशि इनको देती हूँ, ये पूरे शहर हर अपना पत्थर केवल नाम नाम के चिपका दें, लेकिन लोगों को दर्द से कराहने के लिए मजबूर ना करें। पीने का पानी नहीं मिल रहा है और पीने के पानी के नाम पर जिस प्रकार से ये राजनीति करते हैं, जब कोई प्रदर्शन करने जाता है उनके यहाँ पहुँच जाते हैं, इस प्रकार की राजनीति उचित नहीं है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, विकास सबके कार्यकाल में हो, लेकिन इन 3 सालों में जितनी दुर्दशा नगर निगम की है, मैं 20 साल पहले जब महापौर बनकर शहर में आई थी उतनी दुर्दशा तो कांग्रेस के शासनकाल में उस समय भी नहीं थी जितनी दुर्दशा आज है। जो नए महापौर हैं, पूछने का विषय नहीं, ये पूछने की बात नहीं है, पूरा शहर जानता है। शहर के विकास कार्यों के नाम पर हो रही दुर्दशा से नाराज भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए निगम कमिश्नर हरीश मंडावी के कक्ष का घेराव कर भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित पार्षद अजीत वैद और ओम प्रकाश सेन ने अपनी पीड़ा बताई। इस संबंध में दुर्ग निगम कमिश्नर हरीश मंडावी ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो है मुख्यतः आज सरकार ने ज्ञापन सौंपा गया है वो 14 मांगे हैं, जिसमें साफ सफाई, पेयजल और फिर अलग अलग जैसे गौरव का और पेंशन योजना, राशन कार्ड, मतलब जनरलाइज जो है सभी जो है मांग आज सौंपा गया है। विशेष जो है मांग एक दो है उसको हम विशेष तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो जनरलाइज मांगे हैं और उसमें हम सभी मांगों पर अभी अधिकारियों को यहाँ से बैठ कर डिस्कशन करेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम सभी मांगों को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी मांगे तो ऐसे हैं कि मैं देख रहा था कि सरकार से कि उसमें सभी प्रक्रियाधीन हैं और प्रक्रियाधीन है तो वो जब पूर्ण हो जाएगी जो कार्य उसके बाद फिर निश्चित ही उसके परिणाम दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब परिणाम दिखेंगे तो ऑलरेडी उनकी मांग भी पूरी हो जाएगी, पर समय जरूर लगता है उसमें, क्योंकि शासन जो निर्देश बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं उसके तहत हम काम कर रहे हैं और जनहित में सभी काम किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जो 14 मांगें जो आज रखी गई हैं सभी मांगों को हम अच्छी तरह से पूरा करते हैं। निगम में विकास के कार्य निगम में लगातार जो है वो अलग अलग वार्डों में, पृथक पृथक वार्डों में सभी प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं। आप देखेंगे कि हर वार्डों में जैसे अभी रोजना से अभी काफ़ी काम हुए हैं, भविष्य में भी ऐसा प्रश्न है कि काफ़ी काम सक्रिय होने वाले हैं, कुछ काम भी रही हैं, तो हर वार्ड में काम हो रहे हैं और हर वार्ड में जो कार्य चल भी रहा है और इसका जो और बाकी जो हमारे काम जो होने हैं आप देखेंगे कि 1 साल बाद जो है वो पूरी तरह से दुर्ग जो है बदल जाएगा एक प्रकार से। तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी प्रकार की जो बात कही जा रही है कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल मेरा ध्यान है। अभी हम माननीय महापौर जी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में लगातार हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और ग्रुप जो सभी क्षेत्रों में विकास कार्य जो है हम लगातार। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विगत 30 माह में शहर के नागरिक विभिन्न समस्याओं से कन्हार रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। महापौर धीरज बाकलीवाल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा शहर की जनता पानी के लिए सर्वाधिक परेशान है। आए दिन जल संकट व कई वार्डों में लो प्रेशर होने के कारण लोग काफी परेशान हैं, वहीं सफाई व्यवस्था भी वार्डों में चरमरा सी गई है।
वही विधायक वोरा के निगम को बंधक बनाए जाने से शहर का विकास ठप हो गया है, बल्कि तत्कालीन महापौर सरोज पांडे के कार्यकाल में निर्मित गौरव पथ को चौड़ीकरण नाम के बगैर कोई प्लानिंग को तोड़ दिया गया है। दादा दादी नानी से प्रतिमा उखाड़ कर फेंक दी गई है, कई बड़े धरोहर को नष्ट कर दिया गया है, पूरा शहर अव्यवस्थित है, गरीबों के आशियाने तोड़ने बार बार नोटिस भेज कर परेशान किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे व कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जंगी प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि इस व्यापक आंदोलन से शहर की नागरिकों में एक नई उम्मीद जगी है और अब जनता के तकलीफों को लेकर कद्दावर नेता सरोज पांडे के सड़क पर उतरने से राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र में भी जबरदस्त हलचल मचा हुआ है। देखना होगा आने वाले दिनों में इसका असर किस प्रकार से पड़ेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।